हे गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। गुड इवनिंग। ये है एडॉप्शन पार्ट टू का वीडियो है। पार्ट वन का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो जाके। उसमें मैंने आपको बताया, सेक्शन सिक्स बताया था, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड एडॉप्शन, ठीक है। पर आज अभी के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटी। अभी के क्लास में आपको बताने वाला हूँ दो चीज़, आपको बताऊँगा दो चीज़, थोड़ा डिटेल में होगा, ठीक है। ये देखिए, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का दो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो है कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, जो डिफाइन किया गया सेक्शन 7 में, और दूसरा कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, जो डिफाइन किया गया सेक्शन 8 में, ठीक है। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी आप कर दो मेरे चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन सेक्शन 7। कैपेसिटी मतलब कौन, मतलब मेल हिंदू जो है उसका क्या मतलब, वो केपेबल है कि नहीं एडॉप्शन लेने देने के लिए, एडॉप्शन लेने के लिए, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बेयर एक्ट है किताब, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, उससे मैं बता रहा हूँ। एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड का है, एंड इज नॉट अ माइनर, नॉट अ माइनर मतलब 18 ईयर्स के अबव है, 18 ईयर्स के अबव मतलब मेजर हो जाता है, हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन एडॉप्शन, ठीक है। इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रिलेट्स टू जनरल कंडीशन ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो मैंने अभी आपको बताया, जो साउंड माइंड का होना चाहिए उसका जो उल्टा होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रिलेट्स टू जनरल कंडीशन ऑफ माइंड। नो एडजुडिकेशन ऑफ इंसेनिटी बाय अ कोर्ट इज नेसेसरी एंड ऑल कंडीशंस ऑफ इंसेनिटी इंक्लूडिंग एपिलेप्सी, इडियोसी एंड लुनेसी विल कम अंडर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर ये तीन आएगा, एपिलेप्सी, इडियोसी एंड लुनेसी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। तो सेकेंड पॉइंट है, वॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्सेंट, ठीक है। तो इसमें है अ मेजर हिंदू मेल ऑफ साउंड माइंड, ध्यान से सुनेगा, अ मेजर हिंदू मेल ऑफ साउंड माइंड कैन अडॉप्ट वेदर ही इज अ बैचलर, विडोअर, डिवोर्सी और अ मैरिड पर्सन। बट फॉर अ मैरिड हिंदू मेल, बैचलर, विडोअर, डिवोर्सी और मैरिड पर्सन जो साउंड माइंड का है वो अडॉप्ट कर सकता है, पर अगर वो मैरिड है, इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज ड्यूटीफुल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अडॉप्ट करने से पहले उसको अपने वाइफ का कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो अडॉप्ट कर सकता है। इन केस ही हैज मोर देन वन वाइफ, ठीक है, इन केस ही हैज मोर देन वन वाइफ, कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ्स आर इज नेसेसरी। अगर उसका एक से ज्यादा वाइफ्स है तो उस कंसेंट जो है उसका सारे पत्नियों से लेना जरूरी है, तभी एडॉप्शन वैलिड होगा। एन एडॉप्शन मेड विदाउट कंसेंट ऑफ द वाइफ इज वैलिड अवॉइड। अगर एडॉप्शन किया गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, तब वो वॉइड है, वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है वो। इफ कंसेंट ऑफ अ वाइफ लिविंग विद द हस्बैंड इज टेकन, अगर कंसेंट ऑफ वाइफ ले चुका है, वाइफ लिविंग विद द हस्बैंड इज टेकन, बट द कंसेंट ऑफ वाइफ लिविंग सेपरेटली, अगर वाइफ और हस्बैंड सेपरेटली रह रहे हैं तो वाइफ का अगर कंसेंट नहीं लिया गया है, द एडॉप्शन विल बी वॉइड। द कंसेंट ऑफ द वाइफ मे बी एक्सप्रेस,
ठीक है, देखो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेंट ऑफ वाइफ फॉर एडॉप्शन। ठीक है, तो मैं इसमें बता रहा हूँ, देखिए तीसरा पॉइंट आपका आता है फीमेल चाइल्ड एडॉप्शन। इफ अ हिंदू मेल एडॉप्ट्स अ फीमेल चाइल्ड, ही मस्ट बी सीनियर टू हर बाय एटलीस्ट 21 ईयर्स, उससे 21 साल बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज द एडॉप्शन विल बी वॉइड, नहीं तो एडॉप्शन वॉइड हो जाएगा। अ कॉन्सेंट ऑफ वाइफ फॉर एडॉप्शन मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें है प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 1956 देयर वॉज नो सच रिक्वायरमेंट दैट द कॉन्सेंट ऑफ द वाइफ वॉज नेसेसरी एंड देयर वॉज नो प्रोहिबिशन टू एडॉप्ट द प्लेंटिफ इन व्यू ऑफ द एफोरसेड रिलेशनशिप। द कॉन्सेंट ऑफ द वाइफ इज ओनली रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट 1956 एंड टू एनी एडॉप्शन विच टू प्लेस बिफोर द एक्ट ऑफ 1956, दिस प्रोविजन वुड ऑब्वियसली हैव नो इफेक्ट। मैं इसमें ये भी बताना चाह रहा हूँ, द कॉन्सेंट ऑफ द वाइफ मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। वाइफ का कॉन्सेंट एक्सप्रेस वे में भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इफ द वाइफ टेक्स पार्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज ऑफ एडॉप्शन, अगर वाइफ टेक पार्ट करती है सेरेमनीज एडॉप्शन का, सेरेमनीज में हर कॉन्सेंट विल बी इम्प्लाइड। अगर हस्बैंड ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ए हस्बैंड है बी वाइफ है, अगर वाइफ बी सी को गोद ले रही है, ये दोनों ए और जो फैमिली जो है, ये दोनों ए और बी अगर सी को गोद ले रहे हैं, सी को एडॉप्ट कर किया जा रहा है, तो सी तो बी जो है सेरेमनीज में अगर पार्टिसिपेट करती है तो वो इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कंसेंट हो जाएगा, अनलेस शी प्लीड्स फ्रॉड और फोर्स, अनलेस शी प्लीड्स फ्रॉड और फोर्स, बट इन हर एब्सेंस कंसेंट कैन नॉट बी इम्प्लाइड। अगर वो नहीं रही, अगर बी नहीं रही, तो कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट कंसेंट, जो सेकंड वन में मैंने क्वेश्चन पूछा, वेदर मियर प्रेजेंस वहां रहना जरूरी और साइलेंस और लैक ऑफ प्रोटेस्ट वुड बी कॉन्सेंट एरोज इन एक केस लॉ है, घीसालाल वर्सेस धापू बाई, घीसालाल वर्सेस धापू बाई। इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्सेंट शुड इधर बी इन राइटिंग और रिफ्लेक्टेड बाई एफर्मेटिव और पॉजिटिव एक्ट वॉलेंटरीली एंड विलिंगली डन बाय हर। इसका मतलब ये है, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट इन घीसालाल एंड धापू बाई केस में, कॉन्सेंट शुड इधर बी इन राइटिंग, या तो राइटिंग में रहना चाहिए या तो रिफ्लेक्टेड बाई एफर्मेटिव और पॉजिटिव एक्ट वॉलेंटरीली या विलिंगली बाय द वाइफ। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, ये तो ये वाला पार्ट हो गया। कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अंडर द ओल्ड हिंदू लॉ अ फीमेल हैड नो कैपेसिटी टू मेक एन एडॉप्शन। ठीक है, पुराने हिंदू लॉ में अ फीमेल हैड नो कैपेसिटी, फीमेल के पास नो कैपेसिटी टू मेक एन एडॉप्शन, ये भी ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट। कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन जो आता है सेक्शन 8 में, कॉन्सेंट ऑफ हस्बैंड इज रिक्वायर्ड, ये एक बहुत बड़ा बात है, पहले आप शुरुआत से सुनिए। ये सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 8 में बोला गया है, एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन। जैसे कि सेक्शन 7 में था, वैसे ही एकदम से सेम टू सेम सेक्शन 8 में, सिर्फ सेक्शन 7 में अब मेल हिंदू था, इसमें एनी फीमेल हिंदू है, बस बाकी का बाकी पूरा लाइन सेम है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट एडॉप्ट अ सन
or daughter except with the consent of her husband, unless the husband has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. इसका मतलब ये आता है, इफ अगर ए और बी जो हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर बी के पास हस्बैंड लिविंग है, ए लिव कर रहा है, शी शैल नॉट अडॉप्ट अ सन और डॉटर एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड. बी जो वाइफ जो है वो ए के कंसेंट के विदाउट द कंसेंट ऑफ ए कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड अडॉप्ट अ सन और अ डॉटर. ठीक है, अनलेस द हस्बैंड हैज़ कम्प्लीटली, जब तक कि हस्बैंड जो है उसका कम्प्लीटली एंड फाइनली दुनिया को छोड़ दिया, रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया है और हिंदुइज्म से छोड़ के दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू एक्सेट्रा. ठीक है, और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन ने डिक्लेयर कर दिया है उस हस्बैंड को कि वो अब अनसाउंड माइंड का है, तब आप एडॉप्शन नहीं ले सकते. एडॉप्शन इन केस ऑफ अ वीडो, इट हैज बीन हेल्ड इन, देखो एक केस लॉ है, इट हैज बीन हेल्ड इन विजय लक्ष्मा वर्सेस बीटी शंकर. मैं रिपीट कर रहा हूँ, विजय लक्ष्मा वर्सेस बीटी शंकर, दैट वेयर अ वीडो एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, अगर वीडो एडॉप्ट करती है किसी चाइल्ड को, शी नीड नॉट टेक कंसेंट ऑफ को वीडो बिकॉज शी एडॉप्ट्स द चाइल्ड इन हर ओन कैपेसिटी. उसको को वीडो का कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एडॉप्ट करती है अपने खुद के, वो एडॉप्ट करती है चाइल्ड को अपने कैपेसिटी से. After death of husband, she can adopt a son and a daughter, provided she does not have one of her own. अगर उसके पास son या daughter नहीं है तो वो अपने husband के मरने के बाद वो adopt कर सकती है एक तो बेटा या बेटी को. She can adopt a son or a daughter. ठीक है, next अब हम लोग आते हैं The position is thus that a married woman totally lacks the capacity to adopt except in any one of the following three cases. तीन केसेस में lack करती है adoption. पहला केस, if her husband has ceased to be a Hindu. अगर Hindu नहीं है उसका, अगर husband Hindu नहीं है wife का, तो वो adoption नहीं ले सकती. If हर हस्बैंड हैज़ फाइनली एंड कम्प्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, दुनिया को छोड़ दिया है, तब भी वो एडॉप्शन नहीं ले सकती. इफ़ हर हस्बैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे मैंने आपको बताया वीडो के केस में, वैसे ही अगर नॉर्मल केस में भी हुआ तब भी वो एडॉप्शन नहीं ले सकती. अब मैं बताने जा रहा हूँ उसका लास्ट पॉइंट, जो एडॉप्शन ऑफ मेल चाइल्ड. If a female adopts a male child, she must be senior to the child by at least 21 years. अगर वो male child को adopt करने जा रही है तो वो senior होनी चाहिए, 21 साल बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, अभी तक के लिए मैं आप यहीं तक रखता हूँ. ठीक है, और इसका अगला स्लाइड पेज जो है ये आप खुद ही पढ़ सकते हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज. आगे का वीडियोज़ के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले. और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू दिस वीडियो या फिर आपको कुछ और जितना भी मैंने वीडियोज़ बनाए उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.